Hotstar.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। कोरोना की चौथी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार निर्देश दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग कोरोना की चौथी लहर से बचने के लिए सावधानियों का जरूर प्रयोग करें, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने आप का बचाव करें। पिछली साल कोरोना की तीसरी लहर में टीबी के तमाम मरीजों को कोरोना से संक्रमित होना पड़ा था। ऐसे में इस बार हमने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के क्षय रोग विभाग के एमडी गजेंद्र विक्रम सिंह से बात की। तो सर, कोविड की चौथी वेव की बात की जा रही है, ऐसे में जो टीबी पेशेंट है उनके लिए ये अगर चौथी वेव आती तो कितनी खतरनाक होगी और क्या प्रिकॉशन उनके लिए आप सजेस्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस है थर्ड वेव से, अगर हम थर्ड वेव के डाटा को देखें, जो पेशेंट हमारे यहाँ तीसरी वेव के दौरान एडमिट हुए थे और ज़्यादातर पेशेंट्स उसमें ओमाइक्रोन स्ट्रेन से जो है इन्फेक्टेड थे, तो उसमें अगर हम देखें तो मैक्सिमम पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में 18-19% टीबी के ही पेशेंट थे। उसके बाद कैंसर के पेशेंट, ऑप्सकैनी के पेशेंट और किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे। तो ऐसा देखा गया है, ऐसा इन सारी स्टडीज से पता लगता है कि जिन मरीजों को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आना होता है या जिन्हें बार बार हॉस्पिटल विजिट्स की ज़रूरत होती है, उनमें ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉमन मिला। सो अगेन, अगर इस तरीके की बात है, जो पेशेंट टीबी के अनकंट्रोल्ड हैं, जिन्हें बार बार हॉस्पिटल में आना पड़ता है दिखाने के लिए, चाहे उनके खून की वजह से, चाहे उनकी सांस की वजह से, या सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, या एमडीआर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिन्हें कि रेगुलर हॉस्पिटल चेकअप की ज़रूरत होती है, वो एट रिस्क हैं, उनको खतरा ज़्यादा है कि वो इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। सो बेटर है कि वो जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेज़र है। मास्क न सिर्फ उनको ओमाइक्रोन इन्फेक्शन या जो कोविड इन्फेक्शन से बचाता है, बल्कि उनको होने वाली उनको जो टीबी की बीमारी है उससे दूसरे लोगों को भी जो है बचाता है, इन्फेक्शन के टीबी इन्फेक्शन के स्प्रेड को भी रोकता है। सो मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कफ हाइजीन और हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, जिससे कि वो उनको इन्फेक्शन होने से बचा जा सके। देखिए, दोनों ही समय हैं, समय कुछ रिपोर्ट्स हैं एनसीआर रीजन से जहाँ पे कि इन्फेक्शन कोविड इन्फेक्शन के केसेस बढ़े हैं। साथ में चूंकि चेंजिंग वेदर है और हमारे इस एरिया में पर्टिकुलरली 8-10% बच्चे जो हैं उनको एलर्जिक कंडीशंस रहती हैं, और चूंकि एलर्जिक सीज़न भी है तो उसकी वजह से भी कफ कोल्ड उनको हो सकता है, साथ में ओमाइक्रोन के चांसेस भी हैं। तो नो डाउट, यद्यपि मास्क की अनिवार्यता को ख़त्म किया गया है, लेकिन बेटर है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखें और हैंड हाइजीन पे उनके पेरेंट्स उनको बताएं, तो बहुत हद तक उन्हें इन सब चीज़ों से इनके इन्फेक्शन होने से बचा जा सकता है। वो अपनी एलर्जिक कंडीशन से भी बचेंगे और साथ में उनको कोविड इन्फेक्शन होने से भी उनको बचा जा सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।